जैसे कि कल अपन ने लाइव वीडियो स्टार्ट की थी, उसमें कल अपन ने सब्जेक्ट केमिस्ट्री के सिलेबस के डिवाइडेशन के बारे में बताया था, और आज हम उस सिलेबस के डिवाइडेशन के बाद वो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर पहला चैप्टर ऑफलाइन क्लासेज में आपको पढ़ा दिया गया था, जो थोड़ा बहुत रह गया उसे अपन ऑफलाइन में पूरा करवा देंगे। इस क्लास के अंदर अपन नया टॉपिक सेकंड चैप्टर आपका सॉल्यूशन बिलियन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सॉल्यूशन बिलियन होता क्या है, बिलियन बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले अपन इस बिलियन के बारे में समझेंगे। बिलियन क्या होता है, बिलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, और जो दो या दो से अधिक पदार्थ अपन ने मिलाए थे वो पदार्थ आपस में क्रिया नहीं करते चाहिए। समांगी मिश्रण से क्या तात्पर्य, इसमें एक नया शब्द आया है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि जब अपन ने दो रासायनिक पदार्थ मिलाए थे, जैसे कि विलेय को किसमें मिलाया, विलायक में, तो विलेय को विलायक में मिलाने पर वो विलयन में समान रूप से वितरित हो जाने चाहिए, इस गुण को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो सबसे पहले नोट करोगे विलयन की परिभाषा, तो विलयन की परिभाषा मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आपको साथ में नोट करते जाना है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ कोष्ठक में लिख लेना, जो आपस में क्रिया नहीं करते, जो आपस में क्रिया नहीं करते, दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में क्रिया नहीं करे उनके समांगी मिश्रण को, उनके समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब इसमें नया शब्द आया अपने समांगी मिश्रण, तो अपन समांगी मिश्रण के बारे में क्या बताया था कि जैसे दो पदार्थ अपन ने, एक तो विलय है और एक विलायक है, तो समांगी मिश्रण का मतलब है कि विलय और विलायक से मिलकर जो विलयन बनता है, तो विलयन में ये समान रूप से क्या होनी चाहिए, वितरित होने चाहिए, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो पहले विलयन की परिभाषा नोट कर लो, फिर आपको समांगी मिश्रण की परिभाषा लिख लो, परिभाषा भी साथ में लिख लो। विलय को विलायक में बोलने पर या मिलाने पर विलय विलायक में विलायक में समान रूप से वितरित होगा, समान रूप से वितरित हो जाता है, इस गुण को या इस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। नोट कर लो विलयन की परिभाषा और समांगी मिश्रण की परिभाषा।
विलियन का इंट्रोडक्शन कर लिया, समांगी मिशन का कर लिया। अब इसमें दो शब्द और आए अपने पास, एक तो आया है विलय और एक कौन सा शब्द है विलय। तो विलय किसे कहते हैं और विलय किसे कहते हैं, दोनों को अलग पॉइंट डाल दो, एक विलय और एक क्या पढ़ेंगे विलय। तो अपन सबसे पहले विलय के बारे में बताएं। अपन ने कहा है कि विलय और विलायक दोनों से मिलकर क्या बनता है विलियन। विलय और विलायक दोनों से मिलकर क्या बनता है, तो विलियन में विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो जिस पदार्थ की मात्रा विलियन में कम होती है, जिस पदार्थ की मात्रा विलियन में कम होती है उसे तो क्या कहेंगे विलय, और जिस पदार्थ की मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो लिखोगे विलय की परिभाषा, वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में, वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसे विलय कहते हैं, विलय कहते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग विलायक की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह पदार्थ जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। नोट करो विलय और विलायक के पहले अब विलय और विलायक को अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कि 500 ग्राम शक्कर या 500 ग्राम की जगह मैं कर देता हूं 100 ग्राम शक्कर के विलयन में, शक्कर के विलयन में विलय और विलायक की पहचान की, विलय क्या होगा और विलायक क्या होगा। देखो अपन ने शक्कर का जलीय विलयन लिया है, शक्कर का कौन सा विलयन ले रहे हैं जलीय विलयन। तो जलीय विलयन मतलब है प्रति लीटर में शक्कर कितना ग्राम उपस्थित है 100 ग्राम। तो एक लीटर का क्या है आपका विलयन। अब इसमें 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम तो है अपना क्या शक्कर, और 900 ml तुम्हारा क्या हो गया जल, तब जाके एक लीटर का क्या बना है विलयन बना है। तो 100 ग्राम शक्कर है, 900 ml जल है, तो कम मात्रा किसकी हुई अपनी शक्कर की और अधिक मात्रा किसकी हुई जल की। तो जिसकी मात्रा कम है वो तो क्या होगा विलय, और जिसकी मात्रा अधिक है वो क्या होगा विलायक। अर्थात यहाँ विलय तो क्या हो जाएगा शक्कर और विलायक अपना क्या हो जाएगा जल। एग्जाम्पल को भी नोट कर, अब अपन इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसके बाद हेडिंग लगा विलयनों के प्रकार।
एडिंग एफ नी विलियनों के प्रकार। तो विलियनों के प्रकार का अपने एक सबसे पहले चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि विलियनों को तीन प्रकृति के आधार पर इन्हें निम्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले पदार्थों की संख्या के आधार पर, पदार्थों की संख्या के आधार पर, पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पदार्थों की संख्या के आधार पर, यदि पदार्थों की संख्या दो होती है तो उसे बोलते हैं द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। यदि पदार्थों की संख्या संख्या के आधार पर अपन ने विलयनों को चार भागों में बांटा है, एक होता है द्विअंगी विलयन, एक होता है अपना त्रिअंगी विलयन। इसी प्रकार से एक होता है चतुष्कय विलयन और इसी के आधार पर अपन और भी बढ़ा सकते हैं। जब दो पदार्थ हो तो द्विअंगी होगा, तीन पदार्थ हो तो त्रिअंगी होगा, चार पदार्थों की संख्या हो जाएगी तो चतुष्क हो जाएगा, और जब पांच पदार्थों की संख्या हो जाएगी तो उसे पंचक विलयन कहते हैं, पंचक विलयन। ये तो अपन ने विलयनों को बांटा है पदार्थों की संख्या के आधार पर। अब अपन विलयनों को डिवाइड करेंगे विलयता के आधार पर, विलयता के आधार पर, विलयता के आधार पर विलयनों को दो भागों में बांटा गया है। विलयता के आधार पर विलयनों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो होता है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। और लास्ट तीसरा अपन डिवाइड करेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। और भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा है। फर्स्ट होता है गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रवीय विलयन, और थर्ड तीसरा होता है ठोस विलयन। तो अपन इनके एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले इनका एक क्लासिफिकेशन है, ये आप बता सकते हैं। किसी को स्पीड ज्यादा लग रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। हाँ बच्चों, नोट कर लिया।
फर्स्ट पढ़ेंगे सबसे पहले पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो अपन फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं फर्स्ट नंबर पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयनों के प्रकार। और इसका वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था, सबसे पहला प्रकार का इसका द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह विलयन जो कितने पदार्थों से मिलकर बना हो। देखो नाम में ही पता लग रहा है द्वि, द्वि का मीन्स दो। वह विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लो, वह विलयन जो दो पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया द्विअंगी। सामान्यतः जो विलयन यूज लिए जाते हैं वो जनरली कौन से होते हैं, सभी द्विअंगी। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि सामान्यतः द्विअंगी विलयन प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद में द्विअंगी के बाद में अपन दूसरा क्या लिखेंगे, त्रिअंगी विलयन। और त्रिअंगी विलयन की परिभाषा आप इसी के आधार पर बना सकते हो, नाम से पता लग रहा है त्रि, त्रि मीन्स क्या होगा तीन। तो अपन इसकी परिभाषा क्या लिख लेंगे कि वह विलयन जो तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। और इसी के आधार पर आप इसी का तीसरा टाइप चतुष्कय विलयन की परिभाषा भी लिख सकते हो। तीसरा चतुष्कय विलयन आप स्वयं ही बता सकते हो, चतुष्कय मीन्स चार। तो परिभाषा क्या लिखते हैं, वह विलयन जो चार पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे चतुष्कय विलयन कहते हैं। नोट करो, इसी के आधार पर आप पंचक विलयन की परिभाषा भी लिख सकते हो। यहां तक नोट करो इसी।
पहला अपन ने पढ़ लिया पदार्थों की संख्या के आधार पर विलयनों के प्रकार। सेकंड अपन ने क्या बताया था, सेकंड अपना है कि विलयता के आधार पर, विलयता के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड टाइप्स अपन डालेंगे, सेकंड है अपना विलयता के आधार पर, विलयता के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो विलयता के आधार पर विलयनों को अपन ने दो भागों में बांटा था। पहला था अपना संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। तो एक तो होता है संतृप्त विलयन और एक होता है अपना असंतृप्त विलयन। तो सबसे पहले बताएंगे संतृप्त विलयन क्या होता है। देखो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की घुली की वह अधिकतम मात्रा जिसमें विलेय को विलायक में और नहीं घोला जा सके, अर्थात विलेय विलायक में अधिकतम मात्रा में घुला हुआ होता है, उस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इसे अपन उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अपन चीनी को पानी में मिलाते हैं, तो आप देखते हो चीनी को पानी में मिलाने पर एक निश्चित मात्रा तक तो चीनी घुलती रहती है, पानी में घुलती रहती है। जब तक घुलती रहेगी जब तक तो वह विलयन होगा असंतृप्त विलयन। लेकिन एक सीमा ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। जब चीनी पानी में घुलना बंद हो जाए अर्थात विलयक को विलायक में और अधिक नहीं घोला जा सके, उस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा नोट करोगे, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित मात्रा में विलेय की घुलनशील अधिकतम मात्रा, अधिकतम का मतलब अपन ने लिख दिया यहाँ, विलेय की घुलनशील अधिकतम मात्रा, इसका मतलब है अधिकतम मात्रा का मतलब कि और अधिक नहीं घोला जा सके। अधिकतम मात्रा से बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन के बारे में क्या बताया, निश्चित ताप पर मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ना तो एक निश्चित जैसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया, ना तो उससे कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। विलायक की निश्चित मात्रा ले ली, जैसे 1 लीटर पानी में आपको चीनी घोलनी है तो पानी कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 लीटर ही होना चाहिए। और उसके बाद में विलेय की अधिकतम मतलब चीनी पानी में अधिकतम जितनी घुल सकती है, और घुलने के बाद जो अपने पास विलयन प्राप्त हुआ है उस विलयन को कौन सा विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन। इसी के बाद दूसरा अपना था असंतृप्त विलयन, दूसरा अपना था असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे कहेंगे अपन, इसी के आधार पर इसकी परिभाषा देंगे। टेम्परेचर कोई कांस्टेंट रहेगा निश्चित ताप पर, विलायक की मात्रा भी क्या रहेगी अपनी निश्चित रहेगी, लेकिन यहाँ मिलेगी घुलनशील कौन सी मात्रा थी, अधिकतम। अब यहाँ अधिकतम मात्रा की जगह मात्रा आ जाएगी न्यूनतम, मतलब इसमें तो अपन चीनी को और अधिक नहीं घोल सकते थे, लेकिन इसमें अपन चीनी को पानी में और अधिक क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा अपन दे देंगे, निश्चित ताप पर विलायक की
विलायक की निश्चित निश्चित मात्रा में विलय की घुलनशील कम मात्रा लिखो या न्यूनतम मात्रा लिखो, घुलनशील न्यूनतम मात्रा से बने विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। नोट कर लो इसको, सेकंड बेसिस दूसरे आधार को भी पढ़ लिया। दूसरा आधार था अपना विलेयता के आधार पर, और इसके आधार पर अपन ने विलयनों को दो भागों में बांटा है, एक संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को ऐसे ध्यान रखना है कि विलायक में विलय की और अधिक मात्रा जब घुलना बंद हो जाए, उससे अधिक मात्रा नहीं घुल सके, तो उसे तो अपन संतृप्त विलयन कहते हैं। और यदि विलायक में विलय की मात्रा घुलती रहे तो उस विलयन को कौन सा विलयन कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब अपन थर्ड बेसिस तीसरा आधार हमने लिखा था भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो अपना तीसरा बेसिस डालोगे, तीसरा आधार लिखोगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। और भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को अपन ने तीन भागों में बांटा। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों। तो तीसरा लिखोगे भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने भागों में बांटे हैं? तीन भागों में। लिखना चाहो तो लिख लो, इसके आधार पर विलयनों को तीन भागों में बांटा गया है। और इसका पहला प्रकार अपन ने लिखा था गैसीय विलयन, तो फर्स्ट अपन डालेंगे गैसीय विलयन। इसका पहला है गैसीय विलयन। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कि विलयन कौन सा है, गैसीय। और आपको बताया था कि विलयन है, विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो विलय से और एक इससे विलायक से। विलयन सामान्यतः द्विअंगी विलयन होता है, द्विअंगी का मतलब दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो एक तो होता है उसमें विलय और एक उसमें होता है विलायक। विलय अपन ने किसे कहा था? जिसकी मात्रा क्या हो? कम। जिसकी मात्रा कम होती है उसे को अपन ने क्या कहा है? विलय।
और जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे अपन ने क्या कहा है, विलयन। तो अधिक मात्रा जिसकी होगी उसी के आधार पर उस विलयन की भौतिक अवस्था का नाम दे दिया। जैसे गैस की मात्रा अधिक हो गई, गैस की मात्रा का अधिक का मतलब किसकी मात्रा है, विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा अधिक है या गैस की मात्रा अधिक है तो उसे अपन गैसीय विलयन कह देंगे। यदि द्रव की मात्रा अधिक है तो उसे द्रवीय विलयन कह देंगे। और यदि ठोस की मात्रा अधिक है तो उसे कौन सा विलयन कह देंगे, ठोस विलयन कह देंगे। अर्थात विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उस पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर ही अपन ने विलयनों को कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों। तो पहला कौन सा विलयन है, गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन की परिभाषा मैं क्या दे सकता हूं कि वह विलयन जिसमें विलायक, मतलब विलायक का मतलब है अधिक मात्रा वाला पदार्थ। विलायक का मतलब हो गया अधिक मात्रा वाला पदार्थ। कि वह विलयन जिसमें विलायक लिख दू या लिख दू, वह विलयन जिसमें अधिक मात्रा वाला पदार्थ कौन सी अवस्था में होना चाहिए, गैसीय अवस्था में। अधिक मात्रा वाला पदार्थ गैसीय अवस्था में हो तथा अब विलेय कोई सी भी अवस्था में हो, चाहे वो गैस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, तथा विलेय गैस ऑब्लिक द्रव ऑब्लिक ठोस, इसका मतलब तीनों में से कोई सी भी प्रावस्था में हो, गैस द्रव या ठोस अवस्था में होता है तो, अवस्था में होता है तो उस विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। तो सीधा सा क्या ध्यान रखना है अपन को कि यदि गैसीय विलयन होगा तो अधिक मात्रा वाला पदार्थ मतलब विलायक गैस होगा, यदि द्रवीय विलयन होगा तो अधिक मात्रा वाला पदार्थ मीन्स विलायक क्या होगा, द्रव होगा, और यदि ठोस विलयन होगा तो अधिक मात्रा वाला पदार्थ अर्थात विलायक कौन सी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा। अब इसके एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, तो एक तो अपन ने ले लिया विलायक और एक अपन ने ले लिया विलयन, और विलायक और विलय दोनों से मिलकर अपन बना रहे हैं क्या, विलयन। तो देखो इधर विलायक को अपन को गैसीय विलयन बनाना है तो विलायक को क्या लेना पड़ेगा, गैस। तो विलय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो गैस के साथ एक बार तो क्या मिलाएं, गैस। विलायक दोबारा भी गैस ही लेना है, लेकिन विलय गैस के स्थान पर क्या हो सकता है, द्रव। एक अपन ने ले लिया द्रव और विलायक यहाँ भी गैस ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा विलय क्या हो सकता है, ठोस। तो तीनों के एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि गैस को गैस में मिलाएं, तो गैस को गैस में मिलाएं, जैसे ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन दोनों गैस अवस्था में होता है, दोनों को मिला दिया तो इससे बनने वाला विलयन कौन सा विलयन होगा, गैसीय विलयन। दूसरा है गैस को किस में मिलाएं, द्रव में मिलाएं, तो आपको पता है जल में गैस को किसमें मिलाना है, द्रव में। तो गैस को द्रव वाला एग्जांपल क्या लिख सकते हैं अपन, गैस को द्रव वाला एग्जांपल जल वाष्प लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जल वाष्प। जल वाष्प क्या होती है, देखो जो वाष्प वायुमंडल में जल वाष्प पाई जाती है, तो वाष्प तो कौन सी अवस्था में हो गई, गैस अवस्था में हो गई, और उसमें उपस्थित जल कौन सी अवस्था में हो गया, द्रव। तो वायुमंडल में गैस तो अधिक मात्रा में होती है इसलिए विलायक तो हो गया या गैस, और जल कम मात्रा में होता है इसलिए विलय क्या हो गया, द्रव। तो जल वाष्प किसका उदाहरण है, गैसीय विलयन का। जल वाष्प किसका उदाहरण है, क्योंकि यहाँ जल तो कम मात्रा में है तो जल तो हो गया विलय, और
और वाष्प यहाँ अधिक मात्रा में होता है, इसलिए विलायक क्या हो गया तुम्हारा, वाष्प जो गैस अवस्था में होती है। अब तीसरा उदाहरण, अपन विलायक गैस लेना है, विलेय क्या लेना है ठोस बताओ, ऐसा कोई उदाहरण। तो इसका उदाहरण अपन ले सकते हैं क्या, कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड जिसे नौसागर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं नौसागर। इन सबका जब ऊर्ध्वपातन करते हैं, इन सबका क्या करते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है गर्म करने पर सीधा पदार्थ ठोस अवस्था से किसमें बदल जाए, गैस अवस्था में बदल जाए। तो इन सबका ऊर्ध्वपातन करते हैं तो इसमें ठोस की मात्रा तो कम हो जाती है और गैस की मात्रा क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो गैस अधिक हो गई और ठोस कम हो गया, मतलब कम वाला ठोस और अधिक वाला क्या गैस। तो ये भी उदाहरण किसके अंदर आएगा, गैसीय विलेय। ये सभी जितने भी विलयन के उदाहरण है ये सब गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। गैसीय विलयन हो गया भैया, इसके बाद दूसरा पढ़ने पढ़ा था द्रव विलयन या द्रवीय विलयन। तो सेकंड पॉइंट में यहाँ पर डाल दूं क्या, द्रव विलयन, द्रव विलयन। अब द्रव विलयन की परिभाषा आप ही सोचो दिमाग में क्या होगी, वह विलयन जिसमें विलायक, विलायक का मतलब अधिक मात्रा वाला पदार्थ। अब वहां तो गैसीय विलयन था इसलिए वो किसमें होता था, गैसीय अवस्था में, और यहाँ अपने पास कौन सा है द्रव विलयन, तो इसका मतलब यहाँ कौन सी अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में हो। तथा विलय गैस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और किसमें हो सकता है ठोस अवस्था में भी हो सकता है। तो उस विलयन को अपन गैसीय विलयन ही कहकर अब कौन सा विलयन कह देंगे, द्रव विलयन कह देंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बन गई कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो तथा विलेय गैस, द्रव अथवा ठोस अवस्था में होता है, उस विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। अब यहाँ सब में अधिक मात्रा वाला पदार्थ गैसीय विलयन में तो गैस अवस्था में था, अब द्रव विलयन में अधिक मात्रा वाला पदार्थ सब कौन से में होंगे, द्रव अवस्था में। तो पहले समझ लो बाद में उतार लेना, पहले यहाँ पर सभी विलायक जितने भी है सब कौन सी अवस्था में होंगे, द्रव में, क्योंकि अपन उदाहरण कौन से विलयन के पढ़ रहे हैं, द्रव विलयन के पढ़। तो द्रव विलयन में विलायक कौन सी अवस्था में होगा, फिक्स्ड द्रव अवस्था में होगा, लेकिन विलेय गैस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और ठोस में भी हो सकता है। इसके लिए इसके अपन उदाहरण देंगे, बताओ द्रव को किसमें बोलना है, गैस में। तो आपको पता है कि जितने भी समुद्रीय जल होता है, तालाब का जल होता है, तो जल के अंदर आपको पता है जीव जीवित क्यों रहते हैं, क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। तो जल इसका उदाहरण ले सकते हो, तो जल प्लस ऑक्सीजन, तो जल में ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है उसमें ऑक्सीजन मतलब गैस, ये गैस तो होती है कम मात्रा में, तो गैस तो हो गया विलयन, और जल होता है वो क्या होता है अधिक मात्रा में, मतलब द्रव हो गया जो अधिक मात्रा वाला, मतलब क्या हो गया विलायक। तो जल और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण कौन सा उदाहरण है, द्रवीय विलयन। दूसरा द्रव को किसमें मिलाए, द्रव में, तो दोनों ही मिलने वाले पदार्थ द्रव होने चाहिए। जैसे एक तो मैंने ले लिया जल, और जल के साथ मैंने ले लिया क्या, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल भी कौन सी प्रावस्था में होता है, द्रव में होता है।
ये भी लिक्विड और ये भी क्या होता है लिक्विड, जबकि यहाँ एक गैस था और एक क्या था लिक्विड था। तीसरा है द्रव को किसमें मिलाना है, ठोस में। तो द्रव को ठोस में मिलाएंगे, मतलब ऐसा कोई उदाहरण, तो द्रव को ठोस में मिला रहे हैं तो द्रव तो होना चाहिए अधिक मात्रा में और ठोस क्या होना चाहिए अधिक, ठोस होना चाहिए कम मात्रा में और द्रव होना चाहिए कौन सी मात्रा में अधिक मात्रा में। तो इसी के आधार पर इसका उदाहरण भी लिख सकते हो। तो पहले इसकी परिभाषा लिखो, इसकी परिभाषा वापस समझा रहा हूँ, एक बार समझ लो कि वह विलयन जिसमें अधिक मात्रा वाला पदार्थ मतलब विलायक कौन सी अवस्था में होना चाहिए, द्रव अवस्था में होना चाहिए, तथा विलय कोई सी भी अवस्था में हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, लेकिन विलायक सिर्फ कौन सी अवस्था में होना चाहिए, द्रव अवस्था में होना चाहिए, उस प्रकार के विलयन को द्रव्य विलयन कहते हैं। तो विलायक तो द्रव ही होगा, लेकिन विलय गैस द्रव और क्या हो सकता है ठोस। नोट करो इसको, तीसरा वाला एग्जांपल लिखा था अपने, तीसरा उदाहरण लिख सकते हो जल प्लस ग्लूकोज, जल प्लस ग्लूकोज। तो यहाँ ग्लूकोज होता है जो होता है सॉलिड अवस्था में मतलब ठोस अवस्था में, और जल होता है यहाँ लिक्विड अवस्था में। आज नोट कर लिया, फर्स्ट अपन ने गैस विलयन पढ़ लिया था, सेकंड अपन ने द्रव विलयन पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ना कौन सा बचा है ठोस विलयन। तो ठोस विलयन भी आप बता सकते हो, गैस और द्रव जिसके समझ में आ गया होगा तो ठोस विलयन भी आप आसानी से समझ सकते हो। तो मैंने यहाँ द्रव की जगह क्या कर दिया ठोस विलयन। अब आप बताओ यहाँ पर क्या चेंज होगा, वह विलयन जिसमें मिलाया वहां द्रव विलयन था इसलिए कौन सी अवस्था में कर रखा था द्रव अवस्था में, यहाँ विलयन कौन सा है अपना ठोस, तो मैं द्रव की जगह क्या कर दूं ठोस अवस्था में। तथा विलय गैस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और ठोस में भी हो सकता है, तो इनसे बनने वाला जो विलयन है वो आपका कौन सा विलयन कहलाएगा ठोस विलयन। ठोस विलयन की परिभाषा समझ में आ रही, ठोस विलयन की परिभाषा हो जाएगी वह विलयन जिसमें विलायक तो ठोस अवस्था में हो और विलयन गैस द्रव अथवा ठोस तीनों में से कोई सी भी अवस्था में हो सकता है, तो उससे मिलकर बना जो अपना विलयन है वह विलयन कौन सा विलयन कहलाता है ठोस विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिखूंगा तो विलायक को हमेशा कौन सी अवस्था में रहेगा ठोस अवस्था में रहेगा, विलायक कौन सी अवस्था में रहेगा ठोस, ठोस और ठोस, लेकिन अपना विलय तीनों अवस्था में हो सकता था, गैस में भी द्रव में भी और ठोस में भी, तो यहाँ गैस भी हो सकता है द्रव भी हो सकता है ठोस। तो एक बार तो अपन को ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें विलायक ठोस और विलय गैस, एक बार ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें विलायक ठोस और विलय क्या हो द्रव, एक बार ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें विलायक ठोस और विलय क्या हो ठोस, दोनों ही ठोस हो, तो मैं क्या उदाहरण ले सकता हूँ। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल
द्रव विलयन की जगह जो विलयन प्राप्त होगा अपन को ठोस विलयन प्राप्त होगा। देखो विलायक ठोस है और विलेय क्या है गैस। तो पैलेडियम धातु आपने देखी है कौन सी अवस्था में होती है सॉलिड ठोस अवस्था में। तो पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। हाइड्रोजन कौन सी अवस्था में होता है गैसीय स्टेट में होता है। हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। देखो अधिशोषण और अवशोषण दोनों में डिफरेंस है। अधिशोषण अलग होता है अवशोषण अलग होता है। ये टॉपिक अपन आपके सिलेबस के फिफ्थ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत बता देता हूँ अधिशोषण और अवशोषण का मतलब क्या होता है। अधिशोषण में तो किसी पदार्थ का अधिशोषक के उपरीत पृष्ठ पर वितरण होता है जबकि अवशोषण में पूरे पदार्थ पर समांगी रूप से वितरण होता है। जैसे मैंने ये अपने पास डस्टर है, डस्टर पर मैं पानी की बूंद डालूं तो पानी की बूंद ऊपर डालूंगा लेकिन पानी कहां तक आ जाएगा नीचे तक, मतलब पानी में इसको भिगोने पर पूरा जो डस्टर है अपना पूरा पूर्ण रूप से क्या हो जाता है भीग जाता है, मतलब पानी है जो इसमें समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन इसी का दूसरा उदाहरण लूं मैं, जैसे ये चौक का अपने पास डिब्बा है, चौक के डिब्बे पर ऊपर से पानी की बूंद डालूं तो पानी की बूंद डालने पर चिकनी सतह होने के कारण यहाँ पर केवल ऊपरी पृष्ठ पर पानी की बूंद रहेगी, नीचे तक पानी की बूंद नहीं आएगी। अर्थात जब केवल प्रक्रिया पृष्ठ पर हो, जब प्रक्रिया केवल पृष्ठ पर होती है तो वह प्रक्रिया तो कहलाती है अधिशोषण, और यदि प्रोसेस पूरे पदार्थ पर समान रूप से हो तो वह प्रक्रिया कहलाती है अवशोषण, जिसे अपन फिफ्थ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पैलेडियम धातु तो क्या हो गई ठोस और हाइड्रोजन क्या हो गई गैस। तो पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का क्या होता है अधिशोषण, अवशोषण नहीं होता, क्या होता है अधिशोषण, मतलब केवल पैलेडियम धातु के पृष्ठ पर ही हाइड्रोजन गैस का क्या होता है अधिशोषण। पूरी पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण नहीं होता, केवल पृष्ठ पर होता है। दूसरा एग्जाम्पल अपन ले विलायक को किसका ठोस और विलेय क्या ले द्रव। तो ठोस और द्रव का उदाहरण क्या ले सकते हो, तो ठोस की जगह तो मैंने आपके साथ ले लिया जैसे सोडियम धातु सॉलिड अवस्था में होती है। सोडियम धातु का मरकरी पारा पता है आपको एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ मरकरी या पारा है जो कौन सी अवस्था में होता है लिक्विड, और जब सोडियम को मरकरी के साथ मिलाया जाता है तो इनका बनता है अमलगम। क्या बनता है अमलगम। तो सोडियम और मरकरी का जो अमलगम है वो आपका उदाहरण हो जाएगा विलायक को ठोस अवस्था वाला और विलेय कौन सा द्रव। तो एक तो हो गया द्रव और एक हो गया ठोस। तीसरा एग्जांपल ली जिसमें दोनों ही क्या हो ठोस। तो आपने देखे कि अपन जो सोने के आभूषण बनाते हैं शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट सोना होता है, और 24 कैरेट जो शुद्ध सोना होता है उसके कभी भी आभूषण नहीं बनाए जा सकते। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट जो शुद्ध सोना होता है वो इतना मुलायम होता है कि उसे अपन अपने अनुसार स्वेच्छा अनुसार आकृति प्रदान नहीं कर सकते, इसलिए उसमें अन्य धातु जैसे कॉपर का तांबे का क्या किया जाता है मिश्रण किया जाता है तब जाके उसके आभूषण बनाए जा सकते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल क्या ले सकता हूं कि सोने में कॉपर का मिश्रण, कॉपर मतलब तांबे का क्या मिश्रण, ये आपका यहाँ पर गोल्ड भी कौन सी अवस्था में है सॉलिड अवस्था में और कॉपर भी कौन सी अवस्था है सॉलिड स्टेट। तो दोनों ही ठोस या आपके कौन से विलयन का उदाहरण हो जाएगा ठोस विलयन का। तो ये आप बता सकते हो। तो अपना आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन विलयनों के प्रकार के बारे में कंप्लीट हो गया। कल से अपन किसी के बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। यदि आपको किसी को वीडियो में मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ या स्लो चल रहा हूँ तो अपने सजेशन कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हो, और यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो पर्सनली भी फोन से कॉन्टेक्ट कर लो या अपने यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू। कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक।